आदरणीय सभापति जी, सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र को लेकर के हमने देश सेवा की हमारी यात्रा को निरंतर विस्तार देने का प्रयास किया है। देशवासियों को गरिमापूर्ण जीवन देना ये हमारी प्राथमिकता रही है। आजादी के बाद अनेक दशकों तक जिनको कभी पूछा नहीं गया, आज मेरी सरकार उनको पूछती तो है, उनको पूजती भी है। हमारे दिव्यांग भाई बहनों के साथ हमने मिशन मोड में उनकी कठिनाइयों को समझ करके माइक्रो लेवल पर उसको एड्रेस करने का प्रयास किया है और व्यवस्थाएं विकसित करने का प्रयास किया है ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकें और कम से कम किसी का सहारा उनको लेना पड़े, इस दिशा में हमने काम किया है। आदरणीय सभापति जी, हमारे समाज में किसी न किसी कारणवश एक उपेक्षित वर्ग यानी एक प्रकार से समाज में बार बार हरदूत होने वाला वर्ग, वो ट्रांसजेंडर वर्ग है। हमारी सरकार ने ट्रांसजेंडर साथियों के लिए कानून बनाने का काम किया है और जब पश्चिम की दुनिया के लोग ये सुनते हैं तो उनको भी गर्व होता है, अच्छा भारत इतना प्रोग्रेसिव है, भारत की तरफ बड़े गर्व की नजर से देखा जाता है। हमने उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास शुरू किया है। आपने देखा होगा पद्मा अवार्ड में भी ट्रांसजेंडर को अवसर देने में हमारी सरकार आ गया। आदरणीय सभापति जी, हमारे घुमंत जनजातीय समुदाय, हमारे घुमंत साथी, हमारे बंजारा परिवार, उनके लिए एक अलग कल्याण बोर्ड बनाया है ताकि उनकी आवश्यकताओं को हम एड्रेस कर सके और उनको भी एक स्थायी, सुरक्षित और संभावनाओं वाला जीवन प्राप्त हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, हम एक शब्द लगातार सुनते आए हैं, पीवीटीजी। हमारे जनजातीय समूह में ये सबसे पीछे रहा हुआ और आजादी के इतने सालों के बाद भी जिन्होंने उनको निकट से देखा होगा पता चलता है कि कैसी हालत में जीते हैं, उनकी तरफ किसी ने नहीं देखा। हमने एक विशेष व्यवस्था की है और पीएम जनमन योजना के तहत 24,000 करोड़, ये समुदाय बिखरा हुआ है, छोटी संख्या में वोट की उनकी ताकत नहीं है और यहां देश की परंपरा ऐसी जिसकी वोट की ताकत है उसी की चिंता करना, लेकिन समाज के ऐसे अति पिछड़े लोगों की कोई चिंता नहीं करता था। हमने वो चिंता की है क्योंकि हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में पारंपरिक पारिवारिक कौशल्य भारत की विकास यात्रा का और व्यवस्था का एक अंग रहा है। जो हमारा विश्वकर्मा समूह है, जिनके पास परंपरागत से हुनर है और जो समाज की आवश्यकताओं को पूरी करता है, लेकिन उनको कभी एड्रेस नहीं किया गया। हमने करीब करीब 13,000 करोड़ रुपए की योजना से विश्वकर्मा समुदाय को आधुनिकता की तरफ ले जाना, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म आई। आदरणीय सभापति जी, गरीबों के नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कर दिया गया था, लेकिन मेरे रेहड़ी पटरी वालों को कभी बैंक के दरवाजे तक देखने की हिम्मत नहीं होती थी, हालत थी। पहली बार देश में पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों की चिंता की गई है और आज वो ब्याज के कुचक्र से बाहर आकर के अपने परिश्रम से और ईमानदारी से जो रेहड़ी पटरी वालों को बैंकों से लोन मिले हैं, वे लगातार बैंक वाले भी खुश हैं, लेने वाले भी खुश हैं
और जो कल फुटपाथ पर रेडी बैठता था आज एक छोटी दुकान दिशा में बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो पहले खुद मजदूरी करता था आज एकाध दो को रोजगार देने की दिशा में काम कर रहा है। और यही कारण है कि गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, महिला हो, उन्होंने हमारा भारी समर्थन किया है। आदरणीय सभापति जी, हम विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। दुनिया के प्रगतिशील देशों के लिए भी विमेन डेवलपमेंट तो बहुत स्वाभाविक स्वीकार करते हैं, लेकिन विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उनके भी उत्साह में थोड़ी कमी नजर आती है। ऐसे समय भारत ने नारा नहीं निष्ठा के साथ विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर कदम बढ़ाए और महिला सशक्तिकरण का लाभ आज दिख रहा है, हर क्षेत्र में दिख रहा है और भारत की विकास यात्रा में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैं आदरणीय सांसद सुधा मूर्ति जी का आभार व्यक्त करता हूं कि कल उन्होंने चर्चा में महिलाओं के आरोग्य के विषय पर बल दिया था और उसका महात्म्य क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उस पर बड़े विस्तार से उन्होंने कहा था। और आप उन्होंने एक बात ये भी बड़ी इमोशनल बताई थी कि माँ अगर चली गई तो उसका कोई उपाय नहीं होता, फिर नहीं मिल सकती, ये भी बड़ी भावात्मकता से उन्होंने बताया था। विमेन हेल्थ, सैनिटेशन, वेलनेस पर हमने 10 वर्षों में एक प्रायोरिटी सेक्टर के लिए आपने काम किया है। आदरणीय सभापति जी, टॉयलेट हो, सैनिटरी पैड्स हो, गैस कनेक्शन हो, प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो और इसका फायदा हमारे देश की माताओं बहनों को मिला है। आदरणीय सभापति जी, आरोग्य के साथ साथ महिलाएं आत्मनिर्भर बने उस दिशा में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। बीते वर्षों में हमने जो 4 करोड़ घर बनाए हैं उसमें से ज्यादातर घर हमने महिलाओं के नाम पर बैंकों में खाते खुलने से मुद्रा और सुकन्या समृद्धि जैसी योजना से आर्थिक फैसलों में महिलाओं की भूमिका भी बढ़ी है, भागीदारी भी बढ़ी है और एक प्रकार से वो परिवार में भी अब निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनने लगी है। आदरणीय सभापति जी, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उससे जुड़ी 10 करोड़ बहनें, उनका आत्मविश्वास तो बढ़ा ही बढ़ा है, उनकी आय भी बढ़ी है। अभी तक 1 करोड़ बहनें जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती हैं, छोटा छोटा गांव में कारोबार करती हैं, मिलकर के करती हैं, किसी गांव वालों की भी नजर नहीं जाती इनकी तरफ। आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि उन्हीं में से 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनी और हम आने वाले समय में ये आंकड़ा 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की दिशा में बढ़ा रहे हैं।